नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। अभी अभी खबरों का रुख कर लेते हैं। हरियाणा में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण प्रोग्राम के अंतर्गत सोमवार को जिले में 81 सरकारी सेंटरों पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई। शहर के सिविल अस्पताल पॉली क्लिनिक सेक्टर 3 PGI के साइट नंबर 2 और 3, ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रों पर युवाओं और बुजुर्गों की भीड़ भी वैक्सीन लगवाने के लिए जुटी रही। वहीं केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों और पुलिस कर्मियों को भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सुबह करीब 9 बजे से शुरू हुआ टीकाकरण दोपहर 2 बजे के बाद तक चलता रहा और पूरे दिन में 5,350 लोगों को पहली और 3,563 लोगों को दूसरी डोज सहित बता दे 8,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। JDU के सांसदों ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर बताया कि वो केंद्र सरकार के जातीय जनगणना नहीं कराने के फैसले से हैरान और दुखी हैं। सांसदों ने इस निराशाजनक कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में सांसदों ने इस प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। राजीव रंजन सिंह के मुताबिक गृह मंत्री ने हमारी बातों से सरोकार जताया, उन्हें आगे चर्चा करने की बात कही। ललन के अनुसार बता दें, हमारी शुरू से मांग रही है कि जाति आधारित जनगणना की और इसके लिए बिहार के विधानसभा से 2 बार 2019 और 2020 में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा चुका है। इसमें जदयू, बीजेपी, आरजेडी यानी सभी पार्टियां शामिल थी। हमने पहले प्रधानमंत्री से समय मांगा था, वहां से सूचना आई कि गृह मंत्री से मिलकर ज्ञापन दे दीजिए। हम लोग अब उनसे मिले और गृह मंत्री का कहना था कि आप लोगों का भी पक्ष सही है, कुछ और भी तर्क हैं जिस पर बात होनी है और जो जब भी बुलाएंगे तब हम आ जाएंगे। हमारी मांग जातीय जनगणना की है, ये बता दें 1931 के बाद से नहीं हुई है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने तो मांग की है, फैसला तो केंद्र सरकार को ही अब करना है। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में भारत आज सेमीफाइनल में बेल्जियम के खिलाफ खेल रहा था। पूरे देश इस रोमांचक मैच को देख रहा था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी थी कि वो भी भारत का ये मैच देख रहे थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया को जीत के लिए बधाई भी दी थी। प्रधानमंत्री ने दरअसल अपने ट्वीट में लिखा कि मैं भारत और बेल्जियम का हॉकी पुरुष सेमीफाइनल देख रहा हूँ, हमें हमारी टीम और उनके कौशल पर गर्व है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में सेमीफाइनल खेल रही थी और सामने दुनिया की नंबर वन टीम बेल्जियम थी। लगातार 4 मैच जीतकर आज मैदान में उतरी मनप्रीत एंड कंपनी भी किसी भी टीम को पानी पिलाने का मद्दा रखती है और ऐसे में मेडल से एक जीत दूर खड़ी भारतीय टीम का मुकाबला जिस बेल्जियम से हुआ उसे हमने पहले भी कई बार धूल चटाई है और साल 2019 में भी बेल्जियम दौरे पर भारत ने बेल्जियम को 2-0, 3-1 और 5-1 से हराया था और इस साल मार्च में भी भारत ने बेल्जियम को 3-2 से हराया था। बेल्जियम के खिलाफ पिछले 5 मैचों में से 4 में से टीम जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन इस बार बेल्जियम से भारत की टीम हार गई है। पॉर्न फिल्म केस में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पहली बार अब शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट सामने आया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर 2 पेज का नोट पोस्ट कर लिखा है कि हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है और हमारा मीडिया ट्रायल बंद हो। उन्होंने अपील की है कि हमारे बच्चों की खातिर हमारे परिवार की प्राइवेसी का सम्मान कीजिए। राज कुंद्रा के जेल जाने के बाद से ही बता दें शिल्पा शेट्टी को लेकर कई अफवाहें जोरों पर हैं। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वो जमकर ट्रोल की जा रही है। ट्रोलिंग को लेकर एक्ट्रेस ने लिखा कि वो अभी चुप है और आगे भी चुप रहेंगी, समय के साथ सच खुद ही सबके सामने आ जाएगा। शिल्पा ने 2 पेज के नोट में लिखा, हाँ पिछले कुछ दिनों से हर तरह से मुश्किल भरे रहे हैं, हम पर कई आरोप लगे और अफवाहें भी फैली, मीडिया और मेरे कथित शुभचिंतकों ने मेरे और मेरे परिवार के बारे में कई बातें कही, मेरे पूरे परिवार को ट्रोल किया जा रहा है और हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में मेरा स्टैंड ये है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है और मैं आगे भी चुप रहूंगी, मेरे नाम पर झूठी बातें ना बनाएं।
पेगासस जासूसी और तीनों नए कृषि कानूनों और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने और बैकफुट पर धकेलने के लिए विपक्ष लंबी लड़ाई पर मंथन कर रहा है। सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए सरकार सदन के बाहर समांतर संसद चलाने की रणनीति बना रहा है। अंतिम फैसला मंगलवार से हुए यानी कि अभी चल रही विपक्षी नेताओं की बैठक में हो जाएगा। बता दें, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में विपक्षी नेताओं की एक बैठक बुलाई है और बैठक में मॉनसून सत्र के बाकी बची बैठकों के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें, टीएमसी सूत्रों का कहना है कि उनकी पार्टी ने समांतर संसद चलाने का प्रस्ताव दिया है और इस पर भी विमर्श हुआ है। अब मंगलवार को विस्तार से इसके बाद चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं टीएमसी सूत्रों का कहना है कि पेगासस और किसान आंदोलन मामले में विपक्ष की कोशिश हर वो दाव आजमाना है जिससे सरकार दबाव में आए, और अगर प्रमुख विपक्षी दल समांतर संसद चलाने के प्रस्ताव पर सहमति देते हैं तो इससे न सिर्फ इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी प्रचार मिलेगा बल्कि इस मुद्दे पर अपनी हट धर्मिता की वजह से सरकार बैकफुट पर भी होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार दोपहर सूबे के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से मिलने राजभवन पहुंचे थे। उनके साथ प्रदेश के संसदीय मामलों के मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की बता दें, राज्यपाल से अचानक मुलाकात ने राज्य मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को और हवा दे दी है। दरअसल दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने ये कहते हुए अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत दिए थे कि वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जल्द ही मुलाकात करके मंत्रिमंडल फेरबदल के बारे में भी विचार विमर्श करेंगे। वहीं पार्टी सूत्रों के अनुसार हाईकमान ने कैप्टन को ये स्पष्ट कर दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार उनका अधिकार क्षेत्र है और वो जब चाहे फैसला ले सकते हैं। इसमें प्रदेश प्रधान या हाईकमान की तरह से कोई दखल नहीं दिया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ संसदीय मामलों के मंत्री का राज्यपाल से मिलने जाना ये संकेत दे रहा है कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराने के लिए समय भी मांग लिया है और इस संबंध में विधिवत घोषणा एक दो दिन में हो जाएगी। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री से पहली मुलाकात के दौरान मांगों की जो भी फेरिस्त रखी गई थी वो मामला हाईकमान तक पहुंच गया था। हाईकमान ने भी सिद्धू द्वारा कैप्टन सरकार के कामकाज पर सार्वजनिक तौर पर उंगली उठाने को गलत ठहराया गया था। और इस बीच सिद्धू जहां चार कार्यकारी अध्यक्षों के साथ जिला स्तर पर मेल मिलाप अभियान जारी रखे हुए हैं, उससे ये साफ हो गया है कि प्रदेश में कांग्रेस सिद्धू और कैप्टन खेमों में अब बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो के सांसद पद छोड़ने के फैसले से पलटने को लेकर विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस ने उनका मजाक उड़ाया है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पार्टी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत सांसद पद छोड़ने का फैसला किया और ये नाटक किया है। हालांकि बीजेपी की पश्चिम इकाई ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है और इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद कहा कि वो सांसद तो बने रहेंगे लेकिन सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं रहेंगे। बता दें, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद और गायन की दुनिया से राजनीति में पहुंचे सुप्रियो ने शनिवार को फेसबुक के जरिए घोषणा की थी कि वो बतौर सांसद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और राजनीति से वो संन्यास ले लेंगे। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं नेताओं का हर जिले में दौरा शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में श्रावस्ती में मुख्यमंत्री के आगमन से पहले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 1:45 पर पुलिस लाइन हेलीपैड पर श्रावस्ती पहुंचेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री जिला चिकित्सालय पहुंचकर निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे।
उत्तर प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा के बेहद पॉश इलाके में नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, वहीं दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने फरार बदमाश के लिए सभी बॉर्डर्स पर नाकाबंदी भी कर दी है। वहीं घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया है। फिलहाल पुलिस ने सभी नाके चेकिंग शुरू कर दी है और घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। साथ ही एक आपराधिक इतिहास भी खंगालने में अब पुलिस जुट गई है। देखिए, अभी सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में ACP2 और SO24 की टीम रूटीन चेकिंग में थी। अभी एक गाड़ी पैशन बिना नंबर प्लेट की इधर से क्रॉस कर रही थी, तो इन लोगों ने रुकने का प्रयास किया। एक गाड़ी रुकी नहीं, उस पर दो आदमी सवार थे, ये दोनों भागे और हम लोग जहाँ पे हैं ये दोनों तरफ बड़े बड़े चौराहे हैं जहाँ हमारी रूटीन चेकिंग होती थी, इनको अलर्ट किया गया। इन लोगों ने दोनों तरफ से घेराबंदी की, ये यहाँ पे घिर गए और इन लोगों ने पुलिस पार्टी जो थी हमारी उसके ऊपर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई है, उसमें से एक व्यक्ति घायल हुआ और जो दूसरा था वो इस बाइक के पीछे चल रही एक डीएल नंबर की वाइट कलर की कार थी, उसमें वो तत्काल सवार होकर के और यहाँ से भाग गया। इसकी चेकिंग की जा रही है, हम लोगों ने फ्लैश किया है और हमने अपने दिल्ली के काउंटर पार्ट को भी बताया है। हम लोगों ने इसको तत्काल यहाँ से अस्पताल भिजवाया। पूछताछ में इसने अपना नाम शाहरुख बताया है, शाहरुख चना। ये बेसिकली एक ऑटो लिफ्टर गैंग का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, NCR में बहुत सारे ऑटो लिफ्टिंग के केसेस में ये इन्वॉल्व है। और ये अभी कुछ दिन पहले सेक्टर 24 की टीम ने जुलाई के फर्स्ट वीक में एक गुलफाम गैंग को पकड़ा था और उस समय चार लोग गिरफ्तार हुए थे और ये वांटेड चल रहा था। उस गिरफ्तारी में 10 गाड़ियां बरामद हुई थी और उसमें ये भी शामिल था। आज इसको हम लोगों ने शाहरुख को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और इसे पूछा गया कि इसके साथ और कौन था। उसका नाम पम्मी उर्फ परमजीत है और वो भी इस गैंग का एक मेंबर है, जो बेसिकली जितने ऑटो लिफ्टेड कार्स होती हैं उसको डिस्पोजल में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग उसको बहुत जल्दी राउंड अप करेंगे, उसको भी पकड़ेंगे, बाकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। उत्तराखंड में 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल खोले जाने के फैसले को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में इसको लेकर एक याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ता को अपनी याचिका में संशोधन करने के लिए कहा है और इस याचिका पर अब 4 अगस्त को यानी कि कल सुनवाई होगी। बता दें, मुख्य न्यायाधीश RS चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार की पीठ ने पाया है कि स्कूलों को खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई SOP को इस याचिका में सटीक ढंग से चुनौती नहीं दी गई है। अदालत ने कहा कि ये याचिका 29 जुलाई को दायर की गई जबकि राज्य सरकार ने विद्यालयों को खोलने के संबंध में 31 जुलाई को ही SOP जारी कर दी थी। देश में पिछले 6 दिनों से लगातार 40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और इसके बाद सोमवार को कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज देखने को मिली है। दरअसल बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 30,029 नए मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही इस दौरान बता दें करीब 40,000 लोगों ने इस बीमारी को मात भी दे दी और वो ठीक हो गए, जबकि 420 कोरोना संक्रमित लोगों की जान भी चली गई है। वहीं केरल में बीते दिनों 13,000 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जबकि 6 दिन बाद केरल में 20,000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। इसका असर देश के कोरोना आंकड़ों पर भी देखा जा रहा है। यहां सोमवार को कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या नए मामलों से ज्यादा रही।
रुद्रपुर में आशा वर्कर्स ने अपनी कई मांगों को लेकर जिला अस्पताल में धरना दिया। उन्हें आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुकीम कुरैशी ने भी अपना समर्थन दिया। दरअसल मुकीम ने कहा कि उत्तराखंड छोटा राज्य है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने राज्य की जनता को छला है। प्रदर्शन करती आशा कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। दरअसल कोरोना काल में काम कर रही आशाओं को हर महीने 10,000 रुपए का जोखिम भत्ता दिया जाए, उन्हें सरकारी कर्मचारी की तरह सुविधा और मानदेय दिया जाए। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य बीमा परिधि में भी लाया जाए और मृत्यु होने पर 50 लाख का बीमा और बीमार होने पर 10 लाख का बीमा दिया जाए। वहीं सुरक्षा उपकरण और फ्रंटलाइन वर्कर की तरह उन्हें सम्मान दिया जाए। साथ ही आशाओं को संबोधित करते हुए मुकीम ने कहा कि जनता का विश्वास बीजेपी और कांग्रेस से उठ चुका है और जनता का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ अब बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है और अब उत्तराखंड में भी आने वाले चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए रक्षा करेगी। साथ ही उन्होंने आशाओं को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। जो धरने पर बैठे हैं, हमें मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर के लिए रखा गया था, लेकिन बंधुआ मजदूरों की तरह जो काम होता है वो आशा वर्कर से कराया जा रहा है और उसके लिए आशा बहुत ज़्यादा परेशान है। कोरोना में आशा ने इतना ज़्यादा काम किया, घर घर जाकर के कोरोना पॉजिटिव जितने लोग थे उनको जान जोखिम में डालकर आशा ने काम किया है और हमारी तो मुख्यमंत्री जी से यही हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि एक तो हमें वो सरकारी कर्मचारी घोषित करें और 50 लाख का जो आशा कोई मर जाती है उसका बीमा उसको ये देना चाहिए और उसके परिवार की सहायता करनी चाहिए। और आशा जब जब काम करे और उसका हर महीने जो काम होता है उसका पैसा हर महीने आना चाहिए और जितना भी काम आशा करती है उसका पैसा आशा को मिलना चाहिए। आगे भी हमारी मांगे रही हैं और आज भी हमारी मांगे ये हैं कि अगर प्रधानमंत्री या पुष्कर धामी जी जो भी हैं जो हमारी मांगे अगर पूरी नहीं करती हैं तो जो हमारी मानदेय हैं, मानदेय के लिए हमने उनको पहले भी बोल रखा है, उन्होंने हमारी मानदेय आज तक पूरी नहीं करी और जो हमारी धनराशियाँ जो आनी चाहिए थी उन्होंने अभी तक हमारा कोई भी मान पूरा नहीं किया। जो 21,000 रुपये हमारे मानदेय था हमने जो उनसे मांग रखी थी हमें फ्री में काम करवाने के लिए, उन्होंने सोचा उन्होंने मजदूर लेबर मिल गए हैं वो फ्री में काम करवाना चाहते हैं और कराएंगे। जैसे हमारे यहाँ जैसे होम्योपैथिक दवाई हैं वो भी आशाओं से बांटा जाता है, आशा जाती है घर घर में बांटने के लिए। जो यहाँ हमारे यहाँ दवाइयाँ आ रखी हैं किशोर किशोर के लिए उनके लिए भी वो दवाइयाँ आशाएँ घर घर में जाके बांटेंगी। हम उनसे कहते हैं समस्त कार्य वो हमसे कराते तो हैं सही है, मगर हमें उसका कोई मान नहीं मिलता है, हमें फ्री में काम करना पड़ता है। जैसे हम उनके मजदूर हो गए हैं, हम यही चाहते हैं कि हमें मजदूर ना बना के वो आपके साथ रख के हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करें, हमारी सरकारी काम के साथ हम सरकारी काम करना चाहते हैं। अनाथ हुए बच्चों को अब मुख्यमंत्री वत्सालय योजना के तहत लाभ मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री वत्सालय योजना का शुभारंभ ऋषिकेश स्थित तहसील परिसर में सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कर दिया है। मौके पर कोरोना काल में प्रभावित बच्चों के कल्याण के लिए कार्ड भी वितरित किए गए। इस प्रत्येक महीने प्रभावित बच्चों को मुख्यमंत्री वत्सालय योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए बैंक खातों में मिल सकेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी ओर से भी ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में कोरोना से मरने वाले प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए विवेकाधीन कोष से देने की घोषणा की है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि कोरोना काल के दौरान अनेक बच्चों के सर से उनके माता पिता और संरक्षण का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया है। ऐसे में सभी बच्चों को जो भी धनराशि है वो दी जाए और साथ ही कल्याण के लिए मुख्यमंत्री वत्सालय योजना का शुभारंभ सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अभी कोरोना की महामारी में हमारे बहुत से लोग, हमारे परिजन, हमारे प्रियजन आज हमसे रुखसत कर गए और मेरी विधानसभा क्षेत्र के बहुत से लोग जिस प्रकार से आज दुनिया में नहीं है, पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ और सरकार ने बड़ी गंभीरता दिखाते हुए उनके लिए एक वात्सल्य योजना का घोषणा की थी, आज उसका शुभारम्भ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून उसका शुभारम्भ किया, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे शुभारम्भ कर रहा हूँ और जो हमारे लाभार्थी वो लोग हैं उनको
इसका लाभ किस प्रकार से मिल सके, ये मैंने यहाँ पे अभी इसको शुरुआत की है। और निश्चित रूप से दुख का विषय तो यही है, क्योंकि प्रियजनों को जाना, ऐसे समय पे जाना कि जब उनको हमारी और हमें उनकी आवश्यकता थी, लेकिन प्रभु को यही मंजूर था। और दूसरा, मैंने आज एक और निर्णय लिया है कि जितने भी प्रशासनिक एक सूची मेरे पास या मेरे विधानसभा क्षेत्र की, जो लोग इस दौरान कोरोना से दिवंगत हो गए, आज दुनिया में नहीं है, उनको प्रति परिवार 10-10 हज़ार रुपये देने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। उनको परिवार को इससे भी थोड़ी एक राहत मिलेगी। आज मैंने वैसे उनको मास्क और सैनिटाइजर बांटने का भी काम किया और आग्रह भी किया है, यहाँ उपलब्ध या यहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उनसे कहा है कि अभी तीसरी लहर आने की संभावना जैसा व्यक्त की जा रही है, नुकसान ज़्यादा की संभावना, कम की संभावना, ये सारी बातें आ रही हैं, लेकिन फिर से किसी को नुकसान ना हो, हम लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें। इसीलिए मैंने मास्क और सैनिटाइजर सबको बांटे भी हैं और आग्रह भी कर रहा हूँ कि आगे फिर हम लोग सचेत रहें। हाथरस के सादाबाद थाना क्षेत्र में बीती रात गांव के कुछ दबंग लोगों ने तमंचे के बल पर एक युवती के साथ दुष्कर्म कर दिया। बताया जा रहा है कि युवती सादाबाद के बिसावा की रहने वाली है और युवती की मां ने थाने में जाकर युवकों के खिलाफ तहरीर दे दी है और अपनी बेटी के लिए पुलिस से न्याय दिलाने की गुहार भी लगा रही है। वहीं पुलिस ने भी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कल दोपहर में 11:30 बजे 3 लड़के आए थे मेरे पास घर में, मेरे घुस के एक लड़के ने दिखाई कि उसका नाम प्रिंस है, उसके पापा का नाम राकेश है और दीपक और उसके पापा का नाम बलवीर है। उसने जबरदस्ती मुंह में कपड़ा घुसेड़ दिया और सागर वो कट्टा लेके आया था मेरे पास और दोनों ने दाब लिया और मेरे साथ रेप कर दिया। जम्मू कश्मीर में सेना लगातार आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रही है। तकरीबन रोजाना हो रहे एनकाउंटर में बड़ी संख्या में आतंकियों को घाटी से मार गिराया जा रहा है। अब पाकिस्तान ने भी भारत में आतंक की गतिविधियां करने के लिए नए तरीके निकाले हैं। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में कई ड्रोन भी दिखाई दे चुके हैं, जिसके बाद सेना और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी संदिग्ध वस्तु या शख्स के देखने के बाद सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हो जाते हैं। ताजा जानकारी के अनुसार जम्मू के रेलवे स्टेशन के पास सोमवार को 2 संदिग्ध शख्स को देखा गया। इसके बाद से ही सुरक्षा बल उन्हें ढूंढने में लगे हुए हैं। साथ ही दोनों संदिग्धों ने सेना की वर्दी भी पहन रखी थी। बता दें कि हाल ही में जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन से हमले हुए थे, जिसके बाद सेना ने मुस्तैदी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी विद्यालयों को 15 अगस्त से खोल दिया जाएगा। विद्यालयों में 16 अगस्त से आधी क्षमता के साथ कक्षाओं के संचालन शुरू कर दिया जाएगा। वहीं महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू कर दी जाएगी। साथ ही सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में 1 सितम्बर से कक्षाओं का संचालन भी शुरू किया जाएगा। बता दें, सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित टीम 9 की बैठक में निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने वर्तमान में कोरोना संक्रमण नियंत्रण होने के मद्देनजर सभी शिक्षण संस्थानों में नवीन सत्र 2021-22 शुरू करने की तैयारी के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। तो बता दें, यूपी में 16 अगस्त से स्कूल खोल दिए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कल एक बैठक की थी, जिसमें फैसला लिया गया है और उन्होंने कहा है कि अगली कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही विद्यार्थियों की कक्षाएं स्वाधीनता दिवस की तिथि से शुरू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।